अब शादी के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया तो मिलेगी सजा। जी हाँ दोस्तों, इस समय बहुत सारे कानून बदल रहे हैं, जिनमें से एक कानून एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी बदलने वाला है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। इंडिया में एक समय ऐसा था जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पनिश किया जाता था, लेकिन वो भी जो कानून था वो पक्षपाती था, जिसमें ये था कि महिला को सजा नहीं दी जाएगी, जो पुरुष उसमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ उसको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से एडल्ट्री कानून हटाया गया था, लेकिन अब ये बोला जा रहा है जो कानून एडल्ट्री का था जिसे हटा दिया गया था उसे वापस लेकर आया जाए। अब इसको वापस लेकर आने का मतलब क्या होगा, इंडिया में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे उनको पनिश किया जाएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही अच्छी बात, जो वो पुराना वाला एडल्ट्री का कानून था उसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि सिर्फ आदमियों को पनिश किया जाता था, महिलाओं को पनिश नहीं किया जाता था, ये भी एक रीजन था। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। चार अक्षर का है नाम मेरा, मैं दवाइयों का करूं काम, फल से वृक्ष नाम कहलाता, हर किसी के हूं काम आता। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पुरुषों को सजा दी जाती थी, महिलाओं को सजा नहीं दी जाती थी, एक पक्षपात होता था, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से एडल्ट्री का कानून हटाया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एडल्ट्री का कानून वापस लेकर आइए, लेकिन उसे जेंडर न्यूट्रल बनाइए, यानी कि अब शादी के बाद जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, चाहे पति या पत्नी, पुरुष हो या महिला हो, किसी के साथ भी अगर फिजिकल रिलेशन में रहते हैं तो दोनों को सजा दी जाएगी, पुरुष को भी और महिला को भी। इस कानून के बंद होने का कारण था कि पहले सिर्फ पुरुष को सजा दी जाती थी, महिला को सजा नहीं दी जाती थी, पत्नी को कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी दिलाई जाती थी। लेकिन लोगों का कहना था कि ये पक्षपात किया जा रहा है। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों करते हैं, आदमी भी और औरत भी, आदमी और औरत दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, तो फिर आदमी को ही सजा क्यों दी जाती है? अब देखिए, जो वापस से एडल्ट्री का कानून लाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा वही है। आज जो हमारे देश में शादी है, अपने आप में ऐसा कहने को कि कानून में उसे सीक्रेट माना जाता है, लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी देखोगे तो रियलिटी में शादी एक मजाक बनकर रह गई है। जो लॉयल्टी होती है, जो सीरियसनेस होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों में खत्म हो गई है। आजकल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। अब कोई भी हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पकड़ा जाता है तो पति या पत्नी के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, तलाक ले सकते हो। एडल्ट्री के चलते उसे कहीं भी पनिश नहीं किया जाता। तो जो अब कानून बनाने के पीछे उनका कहना है, जो शादी की इम्पोर्टेंस है उसे सीक्रेट बनाए रखना जरूरी है। इसको सीक्रेट बनने से जो चीज रोक रही है वो है, लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने पर कोई जेल में उठाकर नहीं डाल देगा, ज्यादा से ज्यादा तलाक होगा आपका। तो लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रोकने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर पुराना वाला कानून एडल्ट्री का वापस आ जाता है, इसके साथ ही पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शादी की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए, उसे सीक्रेट बनाए रखने के लिए एडल्ट्री का कानून वापस लाने की जरूरत है। ये कानून कब से लागू होगा, आगे आने वाले समय में कैसे लागू होगा, अगर आप पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अपने पास के किसी भी वकील से संपर्क जरूर करें, इसे ऐसे ही एग्जिट मान ना ले। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 8:30 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं
तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।